नमस्कार, मैं राजू सिंह माही और आज आप लोग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बात करें। अभी रिसेंटली आप कौन सी फिल्म की शूटिंग करके और कहाँ गए थे शूटिंग करके? अभी रिसेंटली में मैंने किया है माई रे हमकी उहे लेकी चाही, ये फिल्म गुजरात में हुई है अपना, और इसमें हमारे साथी कलाकार चिंटू पांडे जी हैं। इसमें मैं एक यूनिट लीडर का रोल कर रहा हूँ जो कि फैक्ट्री का लीडर है, और काफ़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी मतलब लेविज बनाई जा रही है। किरदार की बात की जाए तो क्या किरदार मेरा इसमें एक लीडर का है जो फैक्ट्री का लीडर रहता है, और काफ़ी मतलब उसमें चुनाव का है और ठसन है हीरो से, उसी फैक्ट्री में हीरो भी काम करता है, और मतलब बहुत ही रोमांचक फिल्म है, एकदम नया मिलेगा भोजपुरी में। किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार है? इसमें क्या है कि यूनियन लीडर का मैं रोल कर रहा हूँ जो कि फैक्ट्री का मतलब चुनाव में हमेशा जीतता है और हीरो खाने से वो हार जाता है, और काफ़ी अच्छी कहानी है, मज़ा आएगा। कितना मुश्किल रहा इस किरदार को निभाने के लिए? मेरे लिए तो पहली बार है, क्योंकि अब तक मैंने जितनी फिल्में किया है मेरा सबसे सस्ता कॉस्ट्यूम इसी फिल्म में था, एक सिर्फ वर्दी, तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा भी लगा, चलो कुछ हट के करने को मिला सिनेमा के हिसाब से। एक अलग टाइप की फिल्म बन रही है, फैक्ट्री की यूनियन को दिखाया जा रहा है, तो क्या किसी यूनियन के प्रताड़ित होने की कोई रियल घटना है या फिर काल्पनिक है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आप लाइक दैट लाडला फिल्म आप देखे होंगे तो काफ़ी झलक उसकी फैक्ट्री की वही झलक दिखाई देगी, और हीरो उसमें आता है, फिर उसमें मेरा ठसन है, मैं लीडर हूँ, फिर मुझको हरा के लीडर बन जाता है, और मतलब काफ़ी बहुत अच्छी कहानी है। राइटर हमारे लालजी यादव हैं और फिल्म के डायरेक्टर अजय झा जी हैं, मतलब बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। और भी कई फिल्मों में आप अलग अलग किरदार नजर आ रहे हैं, उन फिल्मों के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल ही में अपनी तू ही तो मेरी जान अधर टू जो कि रिलीज पे है, मेरे ख्याल से 4 से 5 उसका ट्रेलर रिलीज हो जाएगा, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मेरे ख्याल से सेट पे 2 लोग आप लोग आए भी थे, तो अभी रिलीज पे हुई फिल्म है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों से सोशल मीडिया में आपके किरदार को लेकर? बहुत बहुत बढ़िया, रणविजय सिंह के रोल में मुझे काफ़ी लोकप्रियता मिली है, जो मेरा स्टाइल है सब ये काफ़ी मतलब इस पे ऑडियंस गदर टू भी आपकी आ रही है? जी हाँ, गदर टू भी आ रही है और शायद बकरीद भी रिलीज है, और गदर टू में मेरा एकदम अलग किरदार है सुल्तान, जो कि एकदम पाकिस्तान का एक दमदार जो भी आप कह रही बाहुबली मैंने प्ले किया है। गदर की बात करें तो किस तरह किरदार पाकिस्तान भाव वाली में कुछ बताना चाहिए आप? एक्चुअली गदर टू की जो कहानी है वो रियल बेस पे है, जो हमारे भाई रहते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो हिंदू हमारे हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे एक ऐसा मतलब उसी को देख के बनाया गया है कि मैं मेरा एक जलजला है वहाँ पे, कि मतलब एक बस पूरा क्षेत्र का राजा हूँ मैं, तो पूरा हुकूमत मेरे साथ वहाँ मुझे सपोर्ट कर रहा है, और कैसे वहाँ प्रताड़ित करते हैं हमारे हिंदू भाई, जो जो कुछ रियल बेस पे है वो आपको फिल्मों में दिखेगा। तो ये कोई किसी की कहानी लिया है आपने जो वहाँ पे प्रताड़ित होता है, क्योंकि जो मुस्लिम थे 13% थे 1947 और अभी सिर्फ हिंदू 2% रह चुके हैं पाकिस्तान में, तो उसको लेके आपने कुछ बनाया है? क्योंकि लगातार मांग आती है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुओं की कि हमें इंडिया में आना है, इंडिया में आना है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है या तो कन्वर्ट किया जाता है, तो ये पूरी कहानी आपने दिखाई है फिल्म? देखिए, कहानी डायरेक्टर की है और राइटर की है, हमारे रमाकांत प्रसाद जी की स्टोरी है और कुछ रियल बेस पे ही है, तो उतना मुझे आइडिया नहीं, पर इतना मैं जानता हूँ कि मतलब ये जो कहानी है ये हमारे रियल बेस से ही ली गई है। आपने चिंटू पांडे के साथ भी काम किया, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? चिंटू पांडे के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है, पहली ट्रक ड्राइवर, दूसरी दिलवाले और तीसरी ये फिल्म, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो भी, और बहुत ही सपोर्ट करते हैं चिंटू जी, और चिंटू का तो जवाब नहीं है, मल्टीनेशनल। आने वाले में देखिए, अभी राघव करके एक फिल्म होने जा रही है जो विलन बेस पे है, तो उसी की तैयारी चल रही है। चिंटू के लिए क्या कहना चाहिए, कैसे है कलाकार, कैसे एक्टिंग करते हैं, कुछ बताना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के पवन सिंह या बन सकते हो? जी जरूर, चिंटू का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं, व्यवहार भी है, एक्टिंग एकदम परफॉर्मेंस बढ़िया है जैसा होना चाहिए, और नेचर इज गुड नेचर चिंटू पांडे। ऑडियंस क्या कहेंगे अपने होम प्रोडक्शन में, ये सारी फिल्में आती रहती हैं, इंदिरा फिल्म्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंदिरा फिल्म तो
एक अलग ही नाम है जो कि हमेशा नए नए आविष्कार करती है फिल्मों के कहानियों में भी और हर चीज़ों में। और बस यही कहूँगा कि ऑडियंस हमारी फिल्म देखें और अपना रिपोर्ट दें, अपना फीडबैक दें कि हम कुछ और अच्छा कर सकें। इसके अलावा कल ईद है तो ईद के लिए क्या कहना चाहिए, ईद किस तरह से कुछ सेलिब्रेशन है, क्या करने जा रहे हैं? ईद के शुभ अवसर पर हम सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं और यही दुआ करते हैं कि अपना ईद अच्छे से मनाएं और जो जो फिल्में रिलीज हो रही हैं भोजपुरी की उन्हें जाके देखें। नमस्कार। जी का डेथ किया, सुसाइड हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी एक्टर्स के ऊपर? जी देखिए, पहले तो उनको मैं संवेदना देता हूँ, विनती करता हूँ चलो ऊपर वाले से कि उनको शांति देना मंदे। दूसरा ये कि हम देखते जब ऐसी कोई घटना होती है तो कुछ हमारे ही लोग शुरू हो जाते हैं उस पर कि ऐसा है, कंप्रोमाइज़ का ये है वह। मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि देखिए अगर कुछ ऐसी बातें सामने आपके आती हैं तो उसको सेम डे या सेम टाइम बता दें। मैंने हमेशा वाच किया है कि जब कुछ ऐसी बातें आती हैं तो किसी के मरने पे, किसी साइट पे ही बातें लिखी जाती हैं कि उसे कंप्रोमाइज़ बोला गया, उनको लिए ये बोला गया, ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारी इंडस्ट्री, आप भी काम करो हम भी काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को ऐसे न ख़राब करें। मैं राजू सिंह माही, आप सभी लोग को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ईद का त्यौहार अच्छे से और खुशियों से मनाएं, यही मेरी दुआ है। आदाब।